प्रदेश के बहराइच पुलिस ने वाहन चेकिंग में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 14 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले अपराधियों का एक गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है, जो जनपद बहराइच और उसके आसपास के जनपदों से मादक पदार्थ लाकर व्यापक पैमाने पर बिक्री करते हैं। जिसकी सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन कर आसाम रोड के पास चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक कार सवार मौके से भागने में कामयाब रहा, तो वहीं 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से 138.4 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। विदेशी बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। जनपद बहराइच में लगातार NDPS की तस्करी के ऊपर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो गैंग्स हैं उनकी सक्रियता और उनकी जो भी मूवमेंट्स हैं उनको लगातार हमारी SOG की इंटेलिजेंस की और थाना पुलिस की टीम्स ट्रैक कर रही हैं, उनकी मूवमेंट्स को देख रही हैं। ऐसी ही सूचना थाना दरगाह क्षेत्र के एक गैंग के बारे में मिल रही थी। पिछले काफ़ी दिनों की इनकी मूवमेंट्स और इनकी ट्रांजेक्शन्स ट्रैक की जा रही थी। हमारी दरगाह पुलिस और स्वॉट टीम की संयुक्त प्रयास से एक गैंग का खुलासा किया गया है, उसकी अरेस्टिंग हुई है, जिसके 3 मेंबर्स मोहम्मद शिराज, फैजल और नदीम अरेस्ट हुए हैं। ये बेसिकली स्मैक में डील करते हैं और बाराबंकी से ये स्मैक खरीदते हैं। ये लोकली कंजम्पशन के लिए भी लोगों को यहाँ बेचते हैं। दूसरे स्टॉकिस्ट को ये लोग नानपारा और नेपाल राष्ट्र से आने वाले लोगों को भी ये बेचते हैं। इनके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किया जाता है, जो भी वार्ता की जाती है, वो कोड लैंग्वेज में की जाती है। एक स्पेशल हर बार के लिए एक नया नाम रखा जाता है किसी नशे के लिए, ताकि लोगों को शक ना हो सके। इनके द्वारा ये जो मूवमेंट है इनकी, जो इस ऑल्टो गाड़ी से की जा रही थी, वो ऑल्टो गाड़ी भी इसमें बरामद हुई है। 138 ग्राम टोटल सभी लोगों से जो कलेक्टिव जो बरामद हुई है, 138 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत 14 लाख से भी ऊपर है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जिन फोन से इनका नेटवर्क चल रहा था, आपस में इनकी वार्ता होती थी, वो भी हम लोगों द्वारा बरामद किए गए हैं। कुछ नकदी जो बेचने के बाद इन्होंने ली थी, वो भी बरामद हुई है। इसके साथ ये हम लोगों को होप है कि ये जो नेटवर्क चल रहा है NDPS का, इसमें रोक लगेगी और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो नशे से बच सके। ये बेसिकली किसी को शक ना हो सके, तो हर बार किसी नए नाम से ये लोग कोड लैंग्वेज में बात करते थे, जैसे कभी दूध शब्द का इस्तेमाल करना, कभी साड़ी शब्द का इस्तेमाल करना, और हर बार उसको चेंज करते थे, जिसके शक और ज़्यादा गहरा गया कि ये हर बार एक नई चीज़ में डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये किसी ऐसी चीज़ में शामिल है, और आने वाले दिनों में इनके जो और साथी हैं जहाँ से लोग सोर्स करते थे और यहाँ ये बेचते थे, उनके ऊपर भी हमारी टीम सक्रिय है, जल्दी ही उनको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। बहराइच से रमेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।